ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने किए ताबड़तोड़ हमले, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कहा हम भी नहीं चलते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की। दोस्तों जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर 132 था और क्रीज पर मौजूद थे मामूल हक और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद। मैच के चलते खुर्रम शहजाद को बोल्ड कर दिया पैट कमिंस ने, उन्होंने 7 रन स्कोर किए। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 133 था। खुर्रम के आउट होने के बाद बाबर आजम आए क्रीज पर, उन्होंने स्लो स्टार्ट किया। दोस्तों यहां आपको बताते चले कि मैच के चलते मामूल हक ने अपना 50 रन मुकम्मल किए 161 बालों पर। ये उनकी करियर की नवी 50 थी। दोस्तों जब टीम पाकिस्तान का स्कोर 181 था तो बाबर आजम हो गए आउट। वो मिचेल मार्श के अंदर आती हुई बॉल पर कार्ड बिहाइंड हो गए। उन्होंने 21 रन स्कोर किए 56 बालों पर। उनकी इनिंग में 2 चौके शामिल थे। दोस्तों जब बाबर आजम आउट हुए तो इमाम उलक 51 रन पर क्रीज पर मौजूद थे और पाकिस्तान का स्कोर 181 हो गया था और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। नए आने वाले बल्लेबाज सऊद शकील थे। सऊद शकील आए, उन्होंने अपना खाता 4 रन से खोला। दोस्तों बाबर के आउट होते ही इमाम भी क्रीज पर न टिक सके। वो नेदन लाइन की बॉल पर क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारना चाहते थे लेकिन बाल इतना ज़्यादा टर्न हुआ कि वो मुकम्मल तौर पर मिस हो गए और स्टंप आउट हो गए। उन्होंने 62 रन स्कोर किए 199 बॉलों पर। उस वक्त टीम पाकिस्तान का स्कोर 192 था और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। दोस्तों जब इमाम आउट हुए तो सऊद शकील के इस पर मौजूद थे और नए आने वाले बल्लेबाज सरफराज अहमद थे। वो केवल 3 रन बनाकर मिचेल स्टार्क के अंदर आती हुई बॉल पर क्लीन बोल्ट हो गए। उस वक्त टीम पाकिस्तान का स्कोर 195 था और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। सरफराज के आउट होने के बाद सऊद शकील क्रीज पर मौजूद थे। नए आने वाले बल्लेबाज सलमान अली आगा थे। दोस्तों जब पहला सेशन खत्म हुआ तो टीम पाकिस्तान का स्कोर 203 था और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। दोस्तों टीम ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट ली, नेदन लाइन ने 1 विकेट ली, मिचेल मार्श ने 1 विकेट ली, पैट कमिंस ने 1 विकेट ली। दोस्तों जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो सऊद और सलमान ने दिखाया थोड़ा रेजिस्टेंस लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के तापड़ तोड़ गेंदबाजी के आगे दोनों की साझेदारी ज़्यादा न चल सकी और सऊद शकील हो गए आउट। जब उन्हें जोश हेजलवुड ने बाउंसर मारा तो बॉल टॉप एज लगकर फर्स्ट स्लिप में चली गई और उनका आसान कैच पकड़ लिया डेविड वार्नर ने। जी हाँ सऊद शकील आउट हुए तो टीम पाकिस्तान का स्कोर 230 था और उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। यहाँ दोस्तों आपको बताते चले गए उस वक्त सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद थे और नए आने वाले बल्लेबाज फहीम अशरफ थे लेकिन शायद वो बहुत ही जल्दी में थे। जी हाँ फहीम अशरफ पैट कमिंस की बॉल पर स्क्वायर लेग पर ड्राइव मारते वे आउट हो गए। जी हाँ स्क्वायर लेग पर खड़े थे उस्मान ख्वाजा और उन्होंने उनका आसान कैच पकड़ लिया। उस वक्त टीम पाकिस्तान का स्कोर 241 था और उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। क्रीज पर सलमान अली आगा 12 रन पर मौजूद थे। नए आने वाले बल्लेबाज आमिर जमाल थे। मैच के चलते आमिर जमाल ने 10 रन स्कोर किए थे लेकिन वो नेदन लाइन की तरफ से फेंके जाने वाली आगे बाल को ब्लॉक करने के लिए क्रीज से बाहर निकले और बीट हो गए और स्टंप आउट हो गए। आमिर जमाल ने 10 रन स्कोर किए। दोस्तों यहां आपको बताते चलें कि ये नेदन लाइन के टेस्ट करियर की 499th विकेट थी। जी हां वो 1 विकेट की दूरी पर मौजूद है अपनी 500 विकेटें लेने में। दोस्तों जब आमिर जमाल आउट हुए तो टीम पाकिस्तान का स्कोर 265 था और उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद थे। नहीं आने वाले बल्लेबाज शाहीन आफरीदी थे। मैच के चलते सलमान अली आगा ने थोड़ा सा टेम्परामेंट शो किया और 26 रन स्कोर किए। दोस्तों टीम पाकिस्तान का स्कोर जब 271 था तो शाहीन आफरीदी ने ट्रेविस हेड की बॉल पर 6 मारने की कोशिश की लेकिन बॉल हवा में चली गई और मैदान पर खड़े फील्डर ने उनका कैच पकड़ लिया। इस तरह पूरी टीम पाकिस्तान 271 रन बनाकर आउट हो गई। दोस्तों अगर टीम पाकिस्तान के स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालें तो अब्दुल्ला शफीक उन्होंने 42 रन स्कोर किए, इमाम उलक ने 62 रन स्कोर किए, शान मसूद ने 30, खुर्रम शहजाद ने 7, बाबर आजम ने 21, सऊद शकील ने 28, फहीम अशरफ ने 9, सरफराज अहमद ने 3, शाहिद आफरीदी ने 4 रन्स स्कोर किए। दूसरी तरफ टीम ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें ली, हेजलवुड ने 1, कमिंस ने 2, नेदन लाइन ने 3, मिचेल मार्श ने 1, ट्रेविस हेड ने 1 विकेटें ली।
दोस्तों, टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इनिंग का आगाज करने आए डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा। दोस्तों, टीम ऑस्ट्रेलिया को मिला पहला झटका जब खुर्रम शहजाद ने कर दिया डेविड वार्नर को डक पर आओ। वो पुल मारने जा रहे थे लेकिन बॉल हवा में चली गई और मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने उनका आसान कैच पकड़ लिया। नहीं, आने वाले बल्लेबाज लबुशेन थे लेकिन वो भी कुछ खास ना कर सके। वो खुर्रम शहजाद की बॉल पर पुल मारने जा रहे थे कि बॉल हवा में चली गई और विकेट कीपर सरफराज अहमद ने उनका कैच पकड़ लिया। दोस्तों, इस वक्त टीम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 रन था और उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन स्टीव स्मिथ आए क्रीज पर। स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने लगाई अच्छी साझेदारी और टीम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुँचाया 84 पर। दोस्तों, जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के 84 रन हो चुके थे और उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जबकि उस्मान ख्वाजा 34 और स्टीव स्मिथ 43 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं पहले और दूसरे दिन के मैच का खुलासा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग आराम से जाकर वहाँ पर पहले और दूसरे दिन के मैच का खुलासा देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब।